नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे IEX के बारे में। दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में हमने देखा कि पिछले दिनों यहाँ पे दो दिन में ही 20% से ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिला। ये स्टॉक लगभग 150-160 के बीच में ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमने देखा कि ये एकदम 120-122 पे ये स्टॉक आ गया। लेकिन डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये स्टॉक में एक अच्छी खबर आ चुकी है। ये स्टॉक फिर से 200 रुपये के ऊपर जा सकता है, हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, IEX देखिए, ये कंपनी तो पहली बात तो मैं बताऊँ, ये मोनोपोली कंपनी है। इसमें पिछले दिन यह न्यूज़ आया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर मार्केट कपलिंग के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, मार्केट कपलिंग होगा तो इसका डिसाइड इनका जो प्राइसिंग है उसका रेट कोई फिक्स और करेगा। अभी तक तो ये कंपनी मोनोपोली है, यही कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का रेट फिक्स करती है, फिर उसके बाद आगे सबको रेट मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे मार्केट कपलिंग किया जाएगा, मतलब थर्ड पार्टी भी इसका रेट डिसाइड कर सकते हैं। ये इतना था। तो जैसे मार्केट में न्यूज़ आया तो हमने देखा कि ये स्टॉक 20% वहाँ से क्रैश हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ठीक है, मार्केट कपलर यहाँ पे आता है, हो भी जाता है, तो इसको इम्प्लीमेंट होने में 2-3 साल लग सकता है। ये सबसे बड़ा न्यूज़ है, ये सबसे बड़ा इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। तो आप सोचिए, ये जो अच्छे स्टॉक रहते हैं ना, भले ही कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है, हमें वहाँ क्रैश होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद वापस उसी प्राइस पर ये स्टॉक चले जाता है जहाँ से ये स्टॉक गिरना शुरू होता है। तो ये फिर से हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में 160-150 फीस स्टॉक चले जाएगा। लेकिन एक रेटिंग फॉर्म ने, UBS ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने फिर से रेटिंग दिया कि यहाँ से अभी के समय सिनारियों से 65% का हमें यहाँ पे जम देखने को मिल सकता है। मतलब ये स्टॉक फिर से 200 रुपये के ऊपर जाते हुए हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये कंपनी के मैं आपको 4 एडवांटेज बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के एक्सपर्ट। देखिए, पहला, ये कंपनी टोटली पूरी तरह से डेब्ट फ्री, इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है या है ये नहीं, इस कंपनी के ऊपर कर्ज है ये नहीं। दूसरा, ये कंपनी कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट जनरेट करने में, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो, ये कंपनी आपको हमेशा प्रॉफिट जनरेट करके देती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव इसके लिहाज से सिनारी हो। तीसरा, ये कंपनी मोनोपोली है, अभी के समय में 99% का बिजनेस ये कंपनी ओन करती है और जितने भी एक्सचेंजेस है उनका 1% है। तो यहाँ पे डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। और चौथा दोस्तों, फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, भरोसा। इसको मैं एडवांटेज में ले रहा हूँ, भरोसा। ये जो अच्छी कंपनियाँ रहती है, मैनेजमेंट वाइज, रिजल्ट वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, वो कंपनी में आप थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ आता है तो इम्पैक्ट करता है, लेकिन आगे का लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो वो कंपनी फिर से उसी फ्लो में आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। ये कंपनी अभी अपने लाइफ टाइम हाई से बात करें तो 60-70% हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। ये कंपनी पिछले साल 300 का इसने हाई लगाया था, अभी देखिए 123-124 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे आज की बात करें तो आज हमने यहाँ पे पॉजिटिव नोज में क्लोज होते हुए देखने को मिला। जो हमने पिछले दिनों पैनिक सेलिंग देखा था, तो ये कंपनी पैनिक सेलिंग से तो अभी तो दूर हो चुकी है और ये कंपनी आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो एक रेटिंग कंपनी UBS ने, इसने यहाँ पे 65% का हमें एक अपसाइड का टारगेट दिया है। उन्होंने भी ये भी कहा है कि अगर मार्केट कपलिंग का जो सिनारियो आता भी है तो इम्प्लीमेंट होने में 2-3 साल का वक्त लग जाएगा। तो इस लिहाज से भी देखें तो ये कंपनी में डरने की बात नहीं है। देखिए, हमें डर किस चीज़ पे लगता है, हमेशा वो कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं कर रही है, वो कंपनी का रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है। देखो, एक दो क्वार्टर रिजल्ट सबका खराब आता है, मानता हूँ मैं, लेकिन ये कंपनी का तो एक भी रिजल्ट खराब नहीं आ रहा है। ये कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हो, चाहे ईयर बेसिस पे हो। साथ साथ ही कंपनी का सेल्स भी देखेंगे ना, तो हर क्वार्टर 5-8% इसका सेल्स भी आगे जा रहा है। तो इस कंपनी में कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, इस कंपनी में कोई ना, मतलब डरने की बात नहीं है। सिर्फ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आप इस कंपनी को थोड़ा सा समय दीजिए। जैसे कि हमने 20% का इसमें कुछ दिन पहले गिरावट देखा था, फिर से 150 का लेवल को आसानी से पार कर लेगा। आज से अगर एक 1.5-2 महीने की बात करें, उस समय भी हमने देखा था कि 150-155 से स्टॉक ने 123-124 का लो लगाया था। आज भी ये कंपनी वही खड़ा है, फिर से ये कंपनी 150-160 का लेवल को आसानी से हमें वहाँ तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हद से बात करें तो मुझे IEX में तो ज़्यादा कोई बड़ा डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन
आपको भी यहाँ पर एनालाइज करना चाहिए कि ये कंपनी आगे और कैसा परफॉर्म कर सकती है, ये कंपनी में आगे क्या हो सकता है। देखिए पैनिक सेलिंग आना किसी भी कंपनी में होता है, ये हमेशा होता है, कुछ नेगेटिव आता है तो होता है, तो उससे मतलब ये नहीं कि ये कंपनी ख़राब है, ये कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया बनाए रखिए।